आज मैं आपको चौधरी बंसी यूनिवर्सिटी जो कि भिवानी हरियाणा के अंदर है उसका बी एड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ नॉलेज एंड कैरिकुलम का अक्टूबर 2020 में ये पेपर हुआ है नोट करने वाली बात यह है ये पेपर सिर्फ दो घंटे का था और 80 नंबर का ये पेपर था देखिए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या है नौ क्वेश्चन आए थे उन नौ क्वेश्चन में से आपको कोई चार करने थे आप कोई भी चार क्वेश्चन अटैम कर सकते हैं बीस बीस नंबर के वो क्वेश्चन थे अस्सी नंबर का ये पेपर था अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन आए किस प्रकार के हैं क्वेश्चन नंबर वन राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग ए सोर्सिस ऑफ नॉलेज बी इमर्जिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज ठीक है डिफरेंस बिटवीन कैरिकुलम एंड सिलेबस ठीक है कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड इन कैरिकुलम चेंज ठीक है हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी क्वेश्चन देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर टू है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज ये मैंने करवाया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर द डिफरेंट वेस ऑफ नोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ नोअर एंड द नोन इन ट्रांसमिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्वेश्चन नंबर फोर वट इज द रोल ऑफ कल्चर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन द इमरजिंग प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नॉलेज इन रेफरेंस टू कल्चर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वट डू यू मीन बाय वेदांत फिलोसफी एक्सप्लेन द एम्स ऑफ एजुकेशन कैरिकुलम एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशन अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी देखिए यहां पर तो वेदांत फिलोसफी की बात कर दी गई है लेकिन यहाँ पर वेस्टर्न फिलोसफी की भी बात करी जा सकती है अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो मैं उन्हें बता दू जो हमारी वेस्टर्न फिलोसफी है जैसे कि आइडियलिज्म प्रैग्मेटिज्म नेचुरलिज्म रियलिज्म ये वेदांत फिलोसफी की जगह ये सब भी लिखा हुआ आ सकता है तो आपको ये जो फिलोसफी है ना बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है आपको जरूर करनी है और ये एग्जाम में हंड्रेड परसेंट आती है क्वेश्चन नंबर सिक्स है वट आर दी एम्स ऑफ कैरिकुलम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर सेवन है डिस्क्राइब ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैरिकुलम थ्योरी अलोंग विद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्वेश्चन नंबर एट है वट डू यू अंडरस्टैंड बाई कैरिकुलम डिजाइन एक्सप्लेन दर्नर सेंटर डिजाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिजाइन आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी देखिए अगर आपके पास भी आपकी यूनिवर्सिटी के बीएड के क्वेश्चन पेपर हैं तो प्लीज़ पीडीएफ फॉर्म में, में मेरे पास सेंड कर दीजिए यहाँ मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में सेंड करिए देखिए उससे होगा क्या मैं अपलोड कर दूंगा और आने वाले टाइम में जितने भी बच्चे बी करेंगे उन्हें एक हेल्प मिलेगी उन्हें ये पता चलेगा कि बी में किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और क्वेश्चनों का को क्या लेवल होता है ठीक है जी क्वेश्चन नंबर नाइन है What do you mean by curriculum change describe the needs and factor affecting curriculum change